शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब, आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से ओहदे का हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ हल्फ बरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीरे आला गवर्नर्स और निगरान वजीर आजम को भी दावत नामा मिल गया। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर नून लीग के खालिद नवाज शरीफ, गवर्नर पंजाब और इत्तेहादियों की मुबारकबाद। लाहौर में लीगी कारकुनान का जश्न। हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। पाकिस्तान को सही मुकाम दिलाना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। नौमंतखब वजीर आजम मुल्क की तारीख बदलने और हिमालय नुमा चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़म। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की किस्मत संवारने के लिए अपोजिशन को मुफाहमत की फिर दावत। ऐवान ने अपने पहले खिताब में कहा कि मुल्क को अक्वामे आलम में हकीकी मुकाम दिलाएंगे, किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिजली और टैक्स चोरी के केसेस को जड़ से उखाड़ेंगे। सानहे नौमई के मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जेलों में कैद 2 साल से कम सजा याफ्ता खातीन और बच्चों को रिहा करने का ऐलान किया। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वजीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, वजीर आजम के अहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुअत्तरिफ है। मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल के हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुजीर है। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नौमई वालों ने पार्लियामान पर हमला किया, इन्हें मुल्क की तरक्की रोकने का बहाना चाहिए, हम काम करते जाएंगे, ये रोते पीटते रहेंगे। मरियम औरंगजेब के सियासी मुखालिफिन पर पाक ताक करवा। नून लीग के तर्जुमान ने कहा, ये जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वहां शफाफ इलेक्शन हुए। क्या बुरे पाकिस्तान की सीटें पीटीआई ने जीती थी? जाली नतायज से बलने वाली हुकूमत भी जाली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के तनकीदी निश्तर, कहा इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अवाम ने पहले ही फर्द जुर्मात कर दी। पहले वोट चोरी होते थे, अब नतायज चोरी होते हैं। मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हलफ की पासदारी करें। बेहतरी बंदूक या डंडे के जोर से नहीं आएगी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में हम पेशरफ। मुकदमे में नामजद मुलजिम टीपी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी। पुलिस ने अब तक 7 मुलजिमों तक रिसाई हासिल कर ली। अमीर बालाज टीपू को शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पंजाब पुलिस की लिबर्टी में न्यू रॉकिंग आगाही वॉक। आईजी पंजाब पुलिस की वॉक में खसूस शिरकत। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि खातिन को हिरासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, खातिन के तहफ़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। टैक्स और टैक्स एफपीआर का माहाना 18 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का फैसला। चेयरमैन एफपीआर अमजद जुबैर की ज़ेर सदारत इजलास
चीनी टेक्सटाइल चमड़े मशीनरी खाम माल खिदमात कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाईज पर 1 से 1.5% की शरह सूद टैक्स बढ़ा दिया गया। लाफाखोरों की मनमानी गरीब के लिए परेशानी। सब्जियों और फलों की कीमत आसमान छूने लगी। महंगाई की दौड़ में लहसुन अदरक और प्याज सबसे आगे। फलों की खरीदारी भी इम्तिहान बन गई। क्रॉस कंट्रोल कमेटियां खैरसाल गरीब महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान रोड और दारुगा वाला जीटी रोड पर मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी ने कहा, इलेक्शन से कबल मुफ्त बिजली गैस और रिलीफ की बातें करने वालों ने आवाम से जीने का हक छीन लिया। हुकूमत ने महंगाई पर काबू ना पाया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दी थी। वज़ीर-ए-आला निगहबान रमज़ान प्रोग्राम ज़िला इंतज़ामिया मुस्तहक़ीन कहा कि इनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए पुरअज़म आज पहले मरहले में 1500 फूड बैग ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी। IWMC के अफसर और अमला मुतहरिक CEO बाबर साहब दीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। कहा, मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बिरोए कार लाए जाए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम दूसरी इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन अलाइड हेल्थ साइंसेज रेस्टकॉन की इख्तितामी तकरीब। स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर फारूक मंजूर की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 10 गैर मुल्की और 100 से ज्यादा स्पीकर्स ने तलबा को ट्रेनिंग दी। चेयरमैन रेस्टकॉन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नबीद बाबर ने मेहमानों में शील्ड और सवीनियर्स तकसीम की। हमारा मिशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाना है। चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर का खिताब। कहा, लोगों की फलाह के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुलरहमान का एतमाद करने पर शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस के शानदार इनका पर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन कहते हैं, अलाइड हेल्थ और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की पाकिस्तान में बहुत कमी है। लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। मेडिकल के तलबा अलाइड हेल्थ के शोबे का खास ख्याल रखें। खुशी है आप लोग सेहत के शोबे में रिसर्च कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर जे यंग लिम का कहना है, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। नायब सदर WFNR गल्फ कंट्री डॉक्टर सबाहत वास्ती बोले, तलबा ने जो कुछ सीखा उसका अमली मैदान में मुजाहरा करें। हुकूमत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तरीका इलाज की सरपरस्ती करे। 8वां इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। माहिरीन रेडियोलॉजिस्ट का ने कहा कि इंटरवेंशनल तरीका इलाज के सामान को सस्ता किया जाए। एंजियोग्राफी कैंसर फालिज और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए माइक्रो से मरीज का इलाज कम से कम रिस्क के साथ किया जा सकता है। मुल्क में मयारी मेडिकल तालीम के लिए हुकूमत PMDC को खुद मुख्तार आज़ाद शफाफ और जमहूरी इदारा बनने थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की मरकजी काउंसिल का मुतालबा। PMA के अहदेदारों का कहना है, हुकूमत PMDC के मामलों में मुदाखलत से बात रहे। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन के नोटिफिकेशन की भी मजम्मत। गवर्नर पंजाब की ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के नौ मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। मोहम्मद मलिकुर्रहमान की नौ मुंतखब सदर नास आफरीन समेत मुंतखब अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नौ मुंतखब बॉडी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए फाल किरदार अदा करें।
पंजाब आर्ट्स काउंसिल के जरिए तमाम सालाना थिएटर मुकाबले लाहौर समेत पंजाब भर से 76 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मौजूआत पर अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरगाने खूब टॉप थी। पाकिस्तान में, दुबई में, इंग्लैंड में परफॉर्म कर चुका हूँ। हमसाए मुल्क में हम बहुत पहले काम कर चुके हैं 2016 में। 2012 से 2016 तक हम हमसाए मुल्क में ही थे। फिर वहाँ पर कुछ आपको पता है वीज़ा की प्रॉब्लम होगी, तब से वहाँ पर नहीं जा रहे। लेकिन बस मेरी गुजारिश ये है कि दास्तान गोई की रिवाइवल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बस यही है कि लोग आएँ, सुने, देखें, तभी इसका रिवाइवल मिलता है। बाजार हुस्न के किस्से, महाराजा रंजीत सिंह की बीवी की कहानियाँ, शहर में दास्तान गोई की रिवायत परवान चढ़ने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के ज़ेर एहतमाम दास्तान गोई की खूबसूरत शाम। मारूफ दास्तान गो बदर खान ने बाजार हुसन के किस्से सुनाकर दास्तान गोई को जिंदा कर दिया। मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। लाहौर की खातून ने घर में ही गांव का माहौल बना दिया। फल और सब्जियां उगा ली, सुर्ख और सब्ज स्ट्रॉबेरी ने फार्म की दिलकशी बढ़ा दी। खूबसूरत फिजा में शहरी ने घर को तफरी गाह बना दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी के फेवरेट जिम एंड टॉनिक घोड़े ने जीत ली। फाते को 40 लाख रुपए की इनामी रकम से नवाजा गया। रनर अप को 13 लाख और तीसरी पोजीशन पर आने वाले को 6 लाख रुपए मिले। रेस में 14 घोड़े और घोड़ियों ने हिस्सा लिया। आमिर परवेज बेहतरीन जोकी करार।